हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन का। इससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ा रखा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, अब आइए थोड़ा और इसकी एलैबोरेशन स्टडी करते हैं, थोड़ा और डीप में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा आपको कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो डायग्राम आपको क्लियर होगा। ये है फर्स्ट मास एम वन और आर डिस्टेंस पर रखा हुआ सेकेंड मास क्या है, एम टू है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो नोट करेंगे आप। सबसे पहली बात है कि ये जो फोर्स है ये मीडियम पर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि दोनों मासेस के बीच में क्या मीडियम है इस बात पे कोई डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट जी है, ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए मीडियम का कोई टर्म नहीं आएगा। तो लिखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। ठीक है ना, मतलब कि अगर आप दो मासेस हैं आपके पास में, अगर दो मासेस हैं आपके पास में सपोज एम वन एंड एम टू, तो जितना अगर ये मास में पहला मीडियम आपके पास में, फर्स्ट मीडियम क्या था, एयर था, और दूसरा मीडियम क्या है, वाटर है। और अब दोनों केसेस में आपने, पहले केसेस में आपने फोर्स निकाला F1, दूसरे केस में आपने फोर्स निकाला F2, सो यू कैन से F1 को आप F एयर ले सकते हो। तो F एयर इज इक्वल्स टू F वाटर, मतलब मीडियम की प्रेजेंस का कोई मतलब नहीं है। तो एक बात तो मैंने आपको पहली चीज़ ये समझाई, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरा, ये जो फोर्स है ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर पॉइंट मास, पॉइंट मास। तो पॉइंट मास का मतलब क्या होता है, नो वॉल्यूम, नो वॉल्यूम। ओके, तो अब आप कहेंगे कि सर अर्थ तो कोई पॉइंट मास है नहीं क्योंकि अर्थ का बहुत सारा वॉल्यूम है। तो एक्चुअली जब आप अर्थ का कंसीडर करते हैं, आप जब अर्थ को आप कंसीडर करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे ये अर्थ है और ये मून है, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ये क्या ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर हो जाते हैं, ये पॉइंट मास कंसीडर हो जाते हैं। ठीक है ना, या आप ये मान करके चलते हैं कि जब आप इस लॉ को लगाते हैं तो आप इनका सारा का सारा मास एक पॉइंट पर कंसीडर कर लेते हैं, तब ये लॉ ऑफ अप्लाई करते हैं। तो ये जो लॉ होता है ये पॉइंट मास पर वैलिड होता है। ओके, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट पर वैलिड होगा जिनका वॉल्यूम ना हो, यदि इन किसी का वॉल्यूम है, पॉइंट मास नहीं है, तो उन पर नहीं लगेगा। ओके, तो इसी वजह से ये जो लॉ है, दिस लॉ इज सिग्निफिकेंट फॉर द हैवी बॉडीज। क्या कारण है देखिए, तो तीसरी पॉइंट लिखिए, दिस लॉ इज सिग्निफिकेंट फॉर हैवी बॉडीज। रीजन क्या है हैवी बॉडीज पे ये लॉ लगने का, आप देखिए जो F की वैल्यू होती वो होती है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो G की वैल्यू है, आपने G की वैल्यू देखी है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो ये जो माइनस 12 होता है ये इस फोर्स की वैल्यू को बहुत कम कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो मासेस है 1 kg 1 kg के, सो आप यदि इसका फोर्स निकालेंगे दो मासेस 1 kg के बीच का, तो जी इंटू वन इंटू वन अपॉन जो डिस्टेंस है दूसरों के, दोनों के बीच की, सपोज 1 meter है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ओके, सो यदि जी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन इसका आंसर आएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि माइनस 11 बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसलिए ये जो मास अगर हैवी हैं तो उनके लिए तो ये लॉ सिग्निफिकेंट होगा। इसी के कारण है कि अर्थ अपनी तरफ छोटी बॉडीज को खींच लेती है। ओके, क्योंकि अर्थ का मास तो बहुत सारा है, तो यहां पर आपका ग्रेविटेशन आपको दिखाई देता है। बट आप कहें कि आपके एक हाथ पे रखा हुआ पेन दूसरे हाथ पे रखे हुए पेन को अट्रैक्ट कर ले, ये अट्रैक्ट तो करते हैं बट आपको सिग्निफिकेंट फोर्स जो आएगा वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जी बहुत ही कम आएगा। इसकी वजह से आपको एक दूसरे के ऊपर ये आते हुए नहीं दिखाई देते हैं।
मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स बहुत कम लगा है। एक और वजह है, एक्सेलरेशन भी वजह है, तो उसको भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था दिस लॉ इज सिग्निफिकेंट फॉर द हैवी बॉडीज, बट यदि आप हैवी बॉडीज की बात करते हैं तो ये लॉ आपको बड़े आराम से दिखाई देता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या समझाया कि एज इन आवर सिनेरियो द वैल्यू ऑफ जी इज वेरी स्मॉल, वेरी लेस, सो फोर्सेस आर नॉट सिग्निफिकेंट, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कि मतलब इन डे टू डे लाइफ, इन डे टू डे लाइफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये हमको दिखाई नहीं देता, इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं परिलक्षित नहीं होता है, ऑब्जर्व नहीं होता है। कि आप कहो कि सर आपने सिखाया है कि हर एक बॉडी दूसरे को अपनी तरफ खींचती है तो क्यों इसको नहीं खींचना चाहिए, तो खींचती तो है, मगर जो मैंने बताया ना कि सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम होती है, जो जी होता अपना 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये बहुत ही कम है, और इसके कम होने के कारण आपको ये जो फोर्स है वो आपको दिखाई नहीं देता है, ये जो फोर्स है आपको ये समझ में नहीं आता है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन देखेंगे, एक बढ़िया सा क्वेश्चन उठाता हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए, ये एक बॉडी है और ये एक सेम आइडेंटिकल बॉडी है, दो बॉडी है, इनकी रेडियस है आर, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, ओके, आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल हैं, तो बताना है आपको कि इनका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इनके दो मासेस हैं, ओके, दो बॉल्स हैं आइडेंटिकल, तो यदि इसका मास m है तो इसका भी मास कितना m होगा, तो आपको बताना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। ऑप्शन वन है 1/r², दूसरा है बी r² 2, तीसरा है सी r⁴ एंड लास्ट है 1/r⁴। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये फोर्स इसके बीच में किसका प्रोपोर्शन है। तो बहुत सारे लोगों ने देख करके बोल दिया कि 1/r² की, जो कि बिल्कुल गलत है, 1/r² कैसे बता दिया, वही ग्रेविटेशन लॉ का फॉर्मूला, एब्सोल्युटली बिल्कुल गलत है। आइए देखते, देखिए ये दोनों टच हैं, आइडेंटिकल हैं, और ये शेप जो है आपका ये यहाँ तक फैला हुआ है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास क्या है आर रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, ये बॉल हैं, इनका मास जो है आर रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको जो है इनके बीच में फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि, और देखिए डिपेंडेंसी किस पे दी गई है, केवल रेडियस पे, किस पे दी गई डिपेंडेंसी, रेडियस पे। तो आइडेंटिकल हैं तो इनकी क्या मान लीजिए, इनकी डेंसिटी मान लीजिए, इनकी डेंसिटी कितनी होगी रो, इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी भी कितनी होगी रो होगी। तो चलिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला है एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंसेस का स्क्वायर, तो स्मॉल r, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस r होती तो स्मॉल r का स्क्वायर। अब आइए इस फॉर्मूले को लगाता हूं, तो g नाउ मास इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहां से लिख देता हूं मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी पहले वाली की कितनी है रो, वॉल्यूम लिख देता हूं 4/3 pi कैपिटल आर का क्यूब, एंड सेकेंड वाले का जी एम वन हो गया, एम टू अगेन रो, आइडेंटिकल मास है तो वॉल्यूम भी इक्वल होगा 4/3 pi r³ डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2r² बिकॉज r और r यहाँ है तो ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है ना। सो g रो का स्क्वायर, ओके, 4/3 × 4/3 कितना हो गया, 16/9 इंटू नीचे कितना हो जाएगा 2² 4 और यहाँ पे r का स्क्वायर, और r की पावर 3 पाई का स्क्वायर भी हो जाएगा, और r की पावर कितना हो जाएगा 6, तो दो पावर से दो पावर कैंसिल, r की पावर 4, मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल लिख रहा है, r की पावर 4 के। सो करेक्ट आंसर आएगा क्या, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4, तो करेक्ट आंसर है इसका सी, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r⁴। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए, ये एक क्वेश्चन था जिसमें रेडियस पर डिपेंडेंस दिखाई गई थी, तो मास को मैंने टोटली तरीके से गैप कर लिया है ना, और बहुत सारे बच्चों ने ये फॉर्मूला लगाया जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो याद रखिएगा जी एम वन अपॉन एम टू आर स्क्वायर इसने ही लगा क्योंकि यहाँ जो मास था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, अगर पॉइंट मास होता
और उनके बीच की डिस्टेंस 2r होती तो बिल्कुल वो फॉर्मूला लग जाता, बट आपका यहाँ पर मास रेडियस के साथ फैला हुआ था, इसलिए आपने यहाँ पर डेंसिटी को कांस्टेंट लगा करके टोटल फॉर्मूले को रेडियस में ले गए। चलिए आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। चलिए अगला कंसेप्ट देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, दो आपके पास में मास है, ओके, इसके दोनों के बीच में दोनों के मास m दिए हुए हैं, दिस इज मास m, दिस इज मास m, दोनों गोले हैं जिनके मास m है, ओके, दोनों गोले हैं जिनके मास क्या है, m है। इसको बेटर आप इसको इस तरीके से समझ लो, इसको ये समझ लीजिए कि एक गोला है इसका भी मास m है और दूसरा गोला है इसका भी मास क्या है, m है, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं इनके मास m है। सो ये स्फीयर वन है और ये स्फीयर टू है, इसका नाम नंबर वन है और ये इसका नंबर टू है, ठीक है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो अब मैं आपको कुछ यहाँ पे टेस्ट दे रहा हूँ, ट्रू फॉल्स टेस्ट दे रहा हूँ, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ओके। तो यहाँ पे आपको मैं ट्रू फॉल्स की सीरीज दे रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, फर्स्ट ये है, सॉरी माइनस F21। दूसरा F नेट इक्वल्स टू जीरो। थर्ड आपको चेक करके बताना है A12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A21। एंड फोर्थ है A सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो। एंड फिफ्थ है V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू जीरो। सिक्स्थ है V सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो। एंड सेवेंथ है V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें सही हैं कौन सी चीज़ें गलत हैं। तो चलिए फर्स्ट से उठाते हैं, पहला दिया गया है, पहले की हम बात करते हैं कि पहला क्या दिया है। पहला फर्स्ट दिया गया है F12 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, तो वन पर लगने वाला फोर्स टू की वजह से यहाँ कहाँ लगेगा, दिस इज F12 वेक्टर, यहाँ लगेगा, और फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन F21 यहाँ पर लगेगा, बिल्कुल सही है ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करिए, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, ये मास कैपिटल M है, ये मास कैपिटल M है, ओके। सो फोर्स 12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ रखा है कि ये बिल्कुल ट्रू है, तो फर्स्ट वाला क्या निकल गया, ट्रू निकल गया है, ओके। सेकेंड हम बात करते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में हमें क्या चेक करना है, सेकेंड वाले में देखना है कि F नेट इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं होता है। तो याद कीजिए आपको F12 फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू कहाँ लग रहा है, देखिए यहाँ लग रहा है, इसका फॉर्मूला कितना होगा, G m1 m2, मतलब कि G क्या बनेगा, ये जी स्मॉल m कैपिटल m अपॉन r का स्क्वायर, उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, मतलब आगे की तरफ i कैप, ये इसकी डायरेक्शन है। नाउ F21 फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, तो फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन कहाँ लग रहा है, देखिए ये पीछे की तरफ, वन इसको खींच रहा है तो पीछे की तरफ बनेगा, तो फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप। यदि आपको नेट फोर्स निकालना हो एफ नेट, सो आप क्या करेंगे, F12 और F21 को ऐड कर देंगे, सो आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, सो द नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, ओके। सो ये भी क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही, नेट फोर्स इक्वल्स टू ट्रू है, क्लियर है। तो ये नेट फोर्स टू हो गए हैं, और ये दोनों ही फोर्स कैसे फोर्स हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, बोथ दी फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस, ठीक है ना। याद रखिएगा ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इंटरनल फोर्स हैं, बोथ दीज फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस।
मतलब कि नेट फोर्स काम करने वाला कितना है, जीरो है। और आपको मैं बता दूं कि जब नेट फोर्स जीरो होता रहा है, एफ नेट इक्वल टू जीरो होता है ना, तो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट एंगुलर मोमेंटम पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, सॉरी लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, नॉट एंगुलर मोमेंटम। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, सिस्टम का पी जो होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो है तो सिस्टम का जो पी हो जाएगा वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड भी हमने कर लिया, सेकेंड फोर्स। नेक्स्ट है ए वन टू इज इक्वल्स टू ए टू वन, चलिए ए वन टू इज इक्वल्स टू ए टू वन। तो अगला हमको चेक करना है कि वेदर ए वन टू इज इक्वल्स टू ए टू वन। चलिए आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम, ओके एफ अपॉन एम ये हुआ करता है। सो ए वन टू दिस इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, तो फोर्स एक्टिंग ऑन वन बिकॉज ऑफ टू दिस इज इक्वल्स टू एफ वन टू अपॉन एम, है ना। ए वन टू कितना हो जाएगा, एफ वन टू अपॉन एम, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। तो मतलब हमको फर्स्ट पार्टिकल पर एक्सेलेरेशन निकालना है, तो फर्स्ट पार्टिकल पर एक्सेलेरेशन कितना आएगा, देखिए जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर और एम, ये एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये पहला एक्सेलरेशन है। दूसरे एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ए टू वन इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा पार्टिकल क्या है, कैपिटल एम है, तो उस पर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इन टू कैपिटल एम, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, सो ये आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल आपका हल्का है उस पर ज़्यादा एक्सेलरेशन लग रहा है ना। तो मतलब ए वन टू इज नॉट इक्वल टू ए टू वन, ए वन टू इज नॉट इक्वल टू ए टू वन। रेदर मैं आपको एक बार बता दूं कि यहां पर स्मॉल m छोटा है और कैपिटल m बड़ा है, तो जो स्मॉल m पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑन वन बिकॉज ऑफ टू इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन टू बिकॉज ऑफ वन, मतलब एक्सेलरेशन जो वन पर काम कर रहा है वो ज्यादा हो रहा है। हल्के पार्टिकल पर काम करने वाला एक्सेलरेशन ज्यादा है और भारी पार्टिकल पर काम करने वाला एक्सेलरेशन कम है, ओके सो क्या समझ में आ गया कि ए वन टू इज नॉट इक्वल टू ए टू वन, मतलब ये दोनों एक्सेलरेशन बराबर नहीं होंगे, दोनों एक्सेलरेशन बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया आपको, आई होप कि एक्सेलरेशन दोनों यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। बट अगला पॉइंट है, सो ये भी क्लियर हो गया हमारा कि एक्सेलरेशन इज नॉट, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये वाला पार्ट हो गया फॉल्स। नेक्स्ट अगला है ए सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो, चलिए तो फिफ्थ पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ए सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो, तो बिल्कुल सही है। देखिए ए सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो क्यों ना हो, बिल्कुल ही ट्रू होगा ये। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि बॉडी पर काम करने वाला द सम ऑफ नेट फोर्स है ना इज इक्वल्स टू जीरो, इंटरनल फोर्सेस का जो सम है एज नेट फोर्स एफ नेट, सिस्टम पर काम करने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, नेट फोर्स जीरो होगा, इसलिए सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लीजिए, यदि आप इसको देखना चाहते तो हमारे पास एक इसको प्रूफ करने का तरीका है। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो जाया करता है, जीरो करता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। सो यदि एफ नेट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, या ये देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास टू पार्टिकल का मास सिस्टम था, ये मास है एम वन और ये मास है कितना, एम टू, ओके। ये मास है एम वन और ये मास है एम टू, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ओके सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे इसका, और आपको इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपने याद देखा होगा कि आपने यदि इंडिविजुअल एक्सेलरेशन की बात की, तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन है फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, यहाँ वाला एक्सेलरेशन कितना निकला है, यहाँ वाला एक्सेलरेशन निकला है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, और इधर की तरफ सेकेंड पार्टिकल पर एक्सेलरेशन कितना निकला है, ए टू इज इक्वल्स टू, इसको ए वन ले लीजिए आप,
ई टू इक्वल्स टू निकला है जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो डायरेक्शन सेंस को फॉलो करते हो आप इसको इस माइनस ले सकते हैं। नाउ अब आपको पता होगा ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये फॉर्मूला था। सो यहाँ पे एम वन की जगह कौन बैठा है, यहाँ पे एम वन की जगह बैठा हुआ है स्मॉल एम, तो स्मॉल एम और ए वन कितना है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, प्लस कैपिटल एम टू, एम टू कितना है यहाँ पे कैपिटल एम है, और ये कितना है अपने पास में ए टू माइनस जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू मतलब स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ध्यान से देखिए ये क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी, सो आपके पास में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आपको सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। अब वेलोसिटी की बात करते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या कहा है आपसे, इस ऊपर वेलोसिटी आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल पार्टिकल का सेंटर एक्सलेशन होगा। मैंने ये नहीं कहा कि इसका एक्सलेशन नहीं होगा, इसका एक्सलेशन ए वन था, इसका एक्सलेशन ए टू था। सो ए वन मे बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए टू मे बी नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों के एक्सलेशन नॉन जीरो हो सकते हैं, बट स्टिल अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है उसके बावजूद सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन कितना होगा, जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब मैंने कहा इंडिविजुअल एक्सलेशन मे बी डिफरेंट, है ना, बट नेट एक्सलेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपने जो हमको दिया है वो है नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आपने दिया है v1 इज इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू जीरो। जी v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल टू जीरो, आइए देखते हैं क्या ये जरूरी है। देखिए क्या सिस्टम था, दो आपके पास मास थे, ठीक है ना, एक कैपिटल एम था एक स्मॉल एम था, पहला वाला स्मॉल एम है दूसरा वाला कैपिटल एम है। तो मैंने बताया कि फर्स्ट वाले में फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन वन एंड दिस इज फोर्स ऑन टू, इसकी वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा है। इस पर एक्सेलरेशन ए वन है और इस पर एक्सेलरेशन कितना है, ए टू है, ओके। इन पर एक्सेलरेशन ए वन है, इसका एक्सेलरेशन ए टू है। आपने देखा कि फोर्स नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू कितना है, जीरो, तो एक्सेलरेशन ऑन सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, ओके। एक्सेलरेशन ऑन सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन ऑन सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो सॉरी डी बाई डी टी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो, दिस मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ मतलब ये जो है यहां पे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कॉन्स्टेंट होगी। और कॉन्स्टेंट का एक केस क्या है, जीरो हो सकती है, मतलब स्टार्ट में यदि जीरो रही हो तो फाइनल भी जीरो रहेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जीरो हो सकती है। बट याद रहे जीरो होगी नहीं, जीरो हो सकती, वन ऑफ द केसेस जीरो। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो। अब मैं बात करूं कि वी वन वी टू की वेलोसिटी, तो भाई ये कुछ भी हो सकती है, वी वन और वी टू पे मना ही नहीं है। अगेन वही केस लग जाएगा फिर से वेलोसिटी वाला, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, है ना। सो मैंने क्या कहा आपसे कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी, ये मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो क्या हो गया अपने पास, v1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड v2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा हमको कि हम इसकी वेलोसिटी जीरो कर सकें, ओके। सो मैंने क्या कहा, देयर मे बी इंडिविजुअल एक्सेलरेशन दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दे मे हैव सम इंडिविजुअल वेलोसिटी। यस, इनके पास कुछ ना कुछ इंडिविजुअल वेलोसिटी v1 और v2 हो सकती है, v1 और v2 हो सकती है। सो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ओके, ये स्टेटमेंट हो गया आपके पास फॉल्स, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, सिक्स्थ वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिक्स्थ वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, सिक्स्थ वाला पॉइंट,
सिक्स्थ वाले पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो, बिल्कुल फॉल्स। मैंने अभी आपको बताया कि ये संभव नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है। तो आपने देखा, आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो, ट्रू और फॉल्स। तो ये पक्के से फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देख लो। यू नो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना, जीरो। क्यों जीरो, बिकॉज नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, जीरो। नेट फोर्स जीरो है ना, इंटरनल फोर्सेस का सम कितना है, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके बाद में। क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट, वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, पहले वाले केस में वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू जीरो था, और लास्ट केस में है वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बिल्कुल गलत है भाई, कैसे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आपने देखा है कि अभी ऊपर देखा आपने कि इस वाले मास पर एक अलग एक्सेलरेशन लग रहा है ए वन, और इस वाले मास पर एक अलग एक्सेलरेशन लग रहा है A2। मतलब A1 इज नॉट इक्वल टू A2। कोई जरूरी नहीं कि A1 A2 इक्वल हो। सो इसी तरीके से V1 इज नॉट इक्वल टू V2। ओके, V1 इज नॉट इक्वल टू V2। तो ये जो आपसे स्टेटमेंट कहा गया है कि V1 इक्वल टू V2 क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इन सब पे इंडिविजुअली अलग अलग एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसलिए दोनों की वेलोसिटी इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों पर एक्सेलरेशन अलग अलग है। आपने देखा था इस वाले पर एक्सेलरेशन आया था जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, इस वाले पर आया था जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन ही अलग अलग है, मास सेम है भले ही, मास भी अलग अलग है, मास के अलग अलग होने से एक्सेलरेशन अलग अलग बना है, तो वेलोसिटी भी क्या होंगी, अलग अलग ही वेलोसिटी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आपके पास में दो मास हैं, वन इज ऑफ 10 किलोग्राम और दूसरा मास आपके पास में है 2 किलोग्राम का है। ओके, 2 किलोग्राम का है। इनिशियली जो 2 किलोग्राम का मास था वो इनफाइनाइट पे था, इनिशियली जो 2 किलोग्राम का मास था वो कहाँ पर था, इन्फानाइट पर था, ठीक ना, इन्फानाइट पर था, इन्फानाइट पर रेस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। आप इसको खींच करके इस मास को, यू ब्रिंग दिस मास एट एनी टाइम एट दिस पोजीशन। चलो इसको एक डायग्राम में अलग बना लेता हूँ, तो आप लोग को आई होप समझ में और अच्छा आ जाएगा। ये लीजिए, तो क्या हुआ, एट एनी टाइम ये 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, एनी टाइम आप खींच करके इसको यहाँ पर ले आते हैं। ओके, 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, आप इसको खींच करके आप यहाँ पर ले आ गए हैं एनी टाइम, ठीक है। अब जिस समय आप इसको यहाँ पर ले करके आए हैं, दोनों को एक दूसरे के पास में लेके आए हैं, इसको ही नहीं दोनों को, ये 10 किलोग्राम वाले को और इधर वाले को, ये वाले को, इसकी 10 किलोग्राम वाले की जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आपको बताना है कि यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, मतलब आपको निकालना है कि v क्या होगा, 2 किलोग्राम वाले मास का वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, आप इसको किस तरीके से करते हैं देखिए। तो ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों मास एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, पहले भी जीरो होगा और बाद में भी इसका नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। और आपको पता है
कि जब नेट फोर्स जीरो होता है, इस वजह से सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ओके, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो अगर नेट फोर्स जीरो है इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब जो पहले होगी वही बाद में होगी, मतलब वी बिफोर, वी सेंटर ऑफ मास फर्स्ट इज इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास सेकेंड। मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी पहले होगी वही बाद में होगी। तो देखिए पहले दोनों रेस्ट में थे, शुरुआत में किस में थे, ये सब के सब ये रेस्ट में थे, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं बैठा होगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी रही होगी, जीरो। तो रूल क्या कहता है कि वेलोसिटी जो होगी कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है सेंटर ऑफ मास का। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली कितनी है, जीरो है। और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। सो जीरो इज इक्वल टू, मास कितना है आपके पास में 10 किलोग्राम, स्पीड कितनी है 2, प्लस एम टू का मास कितना है 2 इंटू, वेलोसिटी का पता नहीं है, अपॉन एम वन प्लस एम टू मतलब 10 प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2 वी। सो वी इज इक्वल्स टू -20/2, दिस इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो सेकेंड वाला मास है ये -10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर की ओर आएगा। सो वी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -10 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी स्पीड आ गई है -10 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती, कॉन्स्टेंट होती, जो शुरुआत में रहती है वो बाद में भी बनी रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और नोटिस आपको करवाना चाहूँगा, आप नोट लिख सकते हैं, क्या नोट लिखेंगे आप यहाँ पे, कि एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, लिखिए एज ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, देयरफॉर Hence, total momentum, जो total momentum होता है, total momentum, देखा आपने ना, total momentum of the system remains conserved। मतलब क्या, आपने देखा F नेट इंटरनल फोर्सेस था और इंटरनल फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो, और नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो यहां पर जो आपके पास में मोमेंटम होगा P, ओके, इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट, P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना, P इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। मतलब P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं जो आपने पिछला क्वेश्चन किया, P इनिशियल P फाइनल, तो स्टार्टिंग मोमेंटम कितना था सिस्टम का, जीरो। क्यों था जीरो, क्योंकि दो मास थे, दोनों रेस्ट में थे, और फाइनल मोमेंटम देख सकते हैं आप, तो फाइनल मोमेंटम में मूवमेंट होने लग गई, तो पहला मास 2 था, स्पीड कितनी थी 10, और प्लस दूसरा जो मास था, सॉरी पहला मास 10 किलोग्राम का था और स्पीड उसकी कितनी हो गई थी 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा मास जो 2 किलोग्राम का था उसकी स्पीड कितनी हो गई थी -10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मोमेंटम 20 - 20 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा यहाँ पे, है ना, इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था और फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो दिस इज डन, इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम आपको सेंट्रल मास की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि ये सेंट्रल मास क्या होता है। तो ग्रेविटेशन में सेंट्रल मास किस तरीके से एक्ट करता है, इसको ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। चलिए तो एक ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग, और ये ब्लॉक देखिए आपका एल लेंथ का एक ब्लॉक है, तो थोड़ा सा जगह बना करके बनाइए, ये एल लेंथ का एक ब्लॉक है, ओके, एल लेंथ का एक ब्लॉक है, और सेम प्लेन में आपके पास में एक 2L लेंथ का एक ब्लॉक रखा हुआ है। सेम प्लेन पे आपके पास में एक 2L लेंथ का एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके सामने आप 2L लेंथ का ब्लॉक जस्ट इसका डबल प्लेस कर दीजिए,
एक सेकंड वेट करिए। हैंग हो गया। ओके तो ये देखिए आपने 2L लेंथ का एक ब्लॉक प्लेस करना है यहां पर, ठीक है। तो 2L लेंथ का ब्लॉक आपने यहां पर रख दिया है, ये एक L लेंथ का ब्लॉक है और एक 2L लेंथ का ब्लॉक है। आपको यहां पर इसका मास कितना दे रखा है, 2m दे रखा है, और ये इसका मास आपने कितना दे रखा है, इसका मास आपको पहले वाले का m दे रखा है, ठीक है ना। और यहां से लेकर के यहां की डिस्टेंस कितनी है, L by 2। आपको निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके तो अब देखिए मैं आपको काम की बात बताता हूं। ये देखिए यहां का इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, ब्लॉक है ना, ठीक है ना, ब्लॉक है ये, एक्सटेंडेड बॉडी मान सकते हो आप, याद है सेंटर ऑफ मास जिसका निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सटेंडेड बॉडी। तो ये एक्सटेंडेड बॉडी है, इसका मास आपका यहां पर है और यहां से लेकर के ये इसका मास आप यहां पर ले लीजिए, थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड लीजिए, डिस्टर्ब हो गया हल्का सा, क्योंकि इसका मास कहां पर बनेगा, इसका सेंटर ऑफ मास सम हाउ यहां पर होगा एट ए डिस्टेंस एल, क्योंकि यहां से यहां है तो ये इसकी डिस्टेंस एल होगी यहां पे। ओके और ये यहां पे कितना होगा, ये होगा एल बाई टू, हाफ डिस्टेंस पर होता। आप जानते हैं सेंटर ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ रखा चैप्टर CGMI। तो ये देखिए अब आपको निकालना है यहां से, हो थोड़ा सा ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, फिलहाल हमने ज्वाइन कर दिया ये L, और ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आएगी L बाई टू। तो यदि मैं एक ट्रायंगल बनाऊं सेपरेटली तो मेरे को कंफर्मली मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज L बाई टू, दिस इज ऑल्सो L बाई टू। सो ये क्या निकल जाएगा, इसको हम R मान लेते हैं, तो R इज इक्वल्स टू L बाई टू का स्क्वायर प्लस L बाई टू का स्क्वायर। ओके सो कितना हो जाएगा, L बाई टू आर इज इक्वल्स टू L बाई टू रूट टू। ओके इसको सॉल्व करता हूं तो कितना जाएगा, L बाई रूट टू, ये हमारे पास आ गई ये डिस्टेंस L बाई रूट टू। अब हमें फाइंड करना है क्या, हमें अब फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें अब फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक है ना। सो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जी, फर्स्ट वाले का मास कितना है, एम है, सेकेंड वाले का मास कितना है, टू एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो आर आपने कितना निकाला है, एल बाई रूट टू का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, जी एम का स्क्वायर हो गया इंटू टू हो गया नीचे एल का स्क्वायर, और ये रूट टू पलट के टू हो चुका, सो इट विल इक्वल टू फोर जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सो ये आ चुका है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इक्वल्स टू फोर जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो जब भी आपको एक्सटेंडेड मास के लिए कभी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं इससे बढ़ के एक अगला काम आपको करवाता हूं, आपको निकालना है रिएक्शन फोर्स। क्या निकालना आपको, रिएक्शन निकालना, मैं आपसे नॉर्मल रिएक्शन निकलवाना चाहता हूं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आइए मैं आपको निकलवाता हूं रिएक्शन फोर्सेस कैसे निकालेंगे। तो जरा इस डायग्राम को एक बार फिर से मैं बना देता हूं, एक ओवरव्यू टाइप का डायग्राम, मुझे ज्यादा एग्जैक्टनेस तो नहीं चाहिए। तो ये देखिए ये मास एम है और ये 2L लेंथ का जो दूसरा मास था, ये 2L लेंथ का था, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे एक्ट कर रहा था, दिस इज ऑफ मास m एंड दिस इज 2m। तो ये सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर था। तो यदि हम अलग अलग डायग्राम बनाए, देखिए ये जो फोर्स एक्ट कर रहा था ये यहां से यहां एक्ट किया है फोर्स,
एफ ये एक्ट किया है एंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एफ ये एक्ट किया है। आपको पता है कि एफ कितना निकला अपना जी एम एस स्क्वायर है ना अपॉन फोर, फोर जी एम एस ही कुछ निकला, हाँ फोर जी एम एस स्क्वायर अपॉन एल एस स्क्वायर ये निकला हुआ है फोर्स। चलिए यदि मैं अब फर्स्ट बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ है ना, फर्स्ट बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तभी क्लियर होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहले ये मास एम है, फर्स्ट पॉइंट ये मास कितना है एम है, एम मास है, तो एम का नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा एम जी, ये लग गया एम जी। ओके अब ये देखिए एफ इसका 45 डिग्री से, क्योंकि ये इसका हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से समहाउ 45 डिग्री से इसका एफ निकल रहा था। सो ये जो फोर्स टूटेगा 45 डिग्री पर ये कितना टूटेगा, ये टूटेगा एफ कॉस 45 और ऊपर की तरफ क्या टूटेगा एफ साइन 45। ओके और ऊपर की तरफ ही क्या टूटेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ से मैं क्या बना सकता हूँ, मैं न्यूटन्स लॉ से बना सकता हूँ इसका एट इक्विलिब्री पोजीशन n1 इसका रिएक्शन मान लिया n1 प्लस एफ साइन 45 इक्वल टू कितना एम जी। सो n1 इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन 45 डिग्री। सो n1 इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन 45, एफ की वैल्यू रख दीजिए 4 कैपिटल जी एम स्क्वायर है ना अपॉन आर स्क्वायर यही था, और साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक ना। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए n1 इक्वल टू हो गया कितना एम जी माइनस एफ की वैल्यू कितनी थी 4 जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर थी और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये अपने पास में हो गया फर्स्ट रिएक्शन पहले पर। अब दूसरी बॉडी पर रिएक्शन निकालता हूँ, वो देखिए दूसरी बॉडी ये है 2m मास की, इसको याद रखिएगा। और 2m मास की बॉडी में ये बना रहा हूँ, ये देखिए 2m मास की बॉडी ये जो रखी हुई थी कुछ इस तरीके से, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, इसका मास कितना था 2m था और ये इस तरीके से इस पर एक फोर्स F लग रहा था सेंटर की तरफ। तो यदि मैं देखूँ तो ये वाला फोर्स कितना बना था अपना 45 डिग्री, क्यों 45 डिग्री, क्योंकि नीचे से ये 45 था तो ये भी कितना हो जाएगा 45 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो दिस इज इक्वल्स टू फोर्स एफ, नाउ दिस डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग इज 2mg। ओके एंड नॉर्मल रिएक्शन इसका जो है अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट होगा एंड दिस वी कैन सपोज इट n2। ओके सो इसको यदि मैं ब्रेक कर देता हूँ इसके कंपोनेंट एफ के तो दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, एक बन जाएगा एफ साइन 45 डिग्री एंड यहाँ पर मन ब्रेक होगा एफ कॉस 45 डिग्री। तो अप्लाइड न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन वी हैव 2mg डाउनवर्ड फोर्स प्लस एफ साइन 45 इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन n2। सो n2 इज इक्वल्स टू पलट करके लिख लीजिए 2mg प्लस एफ साइन 45 राइट। सो n2 इक्वल्स टू 2mg प्लस एफ साइन 45 द वैल्यू ऑफ एफ हाउ मच इट इज जी 4 स्मॉल एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन 45 1/√2। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्टेंस थी वो एल ली थी तो यहाँ पे एल आएगा, जहाँ मैंने आर स्क्वायर प्लेस कर दिया ना वहाँ प्लीज़ एल स्क्वायर रख लीजिए क्योंकि मैंने ऊपर एल लिया था, डिस्टेंस आप देखिए एल बाई टू था तो ये हमने L बनाया था। यदि क्वेश्चन आपको स्टार्ट में ये देखिए L था तो मैंने R स्क्वायर बाई मिस्टेक रख दिया है तो आप लोग जहाँ जहाँ R स्क्वायर है वहाँ वहाँ L स्क्वायर प्लेस कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा L स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा L स्क्वायर जी हाँ ये भी हो जाएगा L स्क्वायर। तो अब क्लियर है कंडीशन एकदम, डिस्टेंस जो थी इसकी L स्क्वायर यहाँ पर आ चुकी है। ये बन गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन सेकेंड ब्लॉक का। ओके चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट कवर करते हैं। अब आज अगला कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो हेडिंग बनाइए बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपके पास
मल्टीपल फोर्सेस दिए, मल्टीपल मास दिए गए हैं. सपोज दिस मास इज एम वन और ये मास का नाम है एम एन, और इसी तरीके से ये दूसरा मास है एम टू, ये तीसरा पॉइंट मास है एम थ्री, चौथा पॉइंट मास है एम फोर. इसी तरीके से बहुत सारे ढेरों फैले हुए हैं. तो ये मास एम वन इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. सो दिस इज फोर्स ऑन एन बिकॉज ऑफ वन. ये क्या है, दिस ये फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन द पार्टिकल एन बिकॉज ऑफ टू, फोर्स ऑन पार्टिकल थ्री, फोर्स ऑन पार्टिकल एन बिकॉज ऑफ थ्री, लाइक वाइज हियर फोर्स ऑन एन बिकॉज ऑफ फोर. ओके, सो मैनी फोर्स आर देयर दैट आर एग्जर्टेड ऑन फोर्स एम एन, पर्टिकुलरली देयर द पार्टिकल इज एम एन. सो हमको फाइंड करना है कि नेट फोर्स ऑन एम एन कितना होगा. सो हम देखिए नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं एन पार्टिकल पर. एफ एन इक्वल्स टू वैक्टर फोर्स होगा ये सम, एफ एन वन प्लस एफ एन टू प्लस एफ एन थ्री. ऐसे ऐसे करते 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 मान लीजिए आपके पास एन मासेस हैं, तो जो लास्ट फोर्स आएगा दिस इज इक्वल टू एफ एन ऑन एन. ओके, या एम एम पार्टिकल है तो एम ऑन एन, फोर्स ऑफ एन बिकॉज ऑफ एम, ऐसा लिख लो. क्या लिखा मैंने लास्ट, फोर्स ऑन पार्टिकल एन बिकॉज ऑफ एम. मतलब जो लास्ट वाला पार्टिकल था उसका नाम मैंने दे दिया था, सपोज एम दे दिया था, दिस इज एम एन, मास एम था ये. ओके, तो इसका जो फोर्स लगेगा दिस इज फोर्स ऑन एन बिकॉज ऑफ एम, ये बनेगा. इसकी जगह बैठा दो इसको, ठीक है. तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. अब ज़्यादा समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम आपको एक पर्टिकुलरली एग्जांपल लेते हैं, उससे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. आइए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑफ द मास एम एंड टू एम. आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूँ मैं, ट्रायंगल में आपके पास में मास एम है और मास टू एम है. ये देखिए मास m बैठा हुआ है, यहाँ पे मास क्या बैठा हुआ है, 2m बैठा हुआ है. दिस इज मास m, दिस इज 2m, और ये भी क्या बैठा हुआ है, मास m बैठा हुआ है. ओके, आपको फोर्स निकालना है. किस पर निकालना है, मास m पर और मास 2m पर. कोई भी ले सकते हैं आप, इधर इधर से ले सकते हैं या इधर उधर से. तो मैं इसको ले लेता हूँ, ये मास m ले लेता हूँ और इस पर 2m ले लेता हूँ. ओके, तीनों साइड क्या है, ए ए साइड है, ये भी है ए, ये मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना. अब देखिए यदि मैं इस मास m पर फोर्स निकालने का इच्छुक हूं तो ये मास को ये क्या करेगा, ये वाला फोर्स अट्रैक्ट करेगा और इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ओके, तो दोनों मास क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे. तो f और दोनों के बीच का एंगल कितनी डिग्री है, 60 डिग्री. एक तो ये बात हो गई. और यदि मैं 2m की बात करूं तो 2m को भी इधर से अट्रैक्ट किया जाएगा और यहां से 2m को भी क्या, अट्रैक्ट किया जाएगा. तो इसको कितनी डिग्री है, 60 डिग्री. तो सबसे पहले मैं 2m पर चर्चा करता हूं. तो 2m मास को मैंने यहां पे रख दिया, तो 2m पर एक फोर्स लग रहा है कितना, इधर की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है कितना, इधर की तरफ. ये देखिए यदि मैं देखूं दोनों फोर्सेस लगने वाले क्या हैं, एफ 2m पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, यदि मैं इनकी वैल्यू निकालूं तो ये फोर्स क्या लग रहे हैं आप देखिए. सो फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल जी, ओके, 2m इंटू एम अपॉन ए का स्क्वायर. ये पहला पार्ट बन गया फोर्स का. ओके, सो देखिए f की वैल्यू कितनी आएगी, 2m मास पर g, m1 की जगह है 2m, m2 की जगह है m, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, a का स्क्वायर. क्लियर है, तो इसकी वजह से ये आ गई वैल्यू, है ना. 2m पर लगने वाला फोर्स, ये देखिए 2m पर जो लगने वाला फोर्स है इसको मैंने f मान लिया. चलिए दूसरा फोर्स मैं निकालता हूँ, ये वाला, ये भी कितना होगा, सेम फोर्स होगा, बिकॉज g है और 2m है, m1 है, अपॉन कितना, ए स्क्वायर. क्लियर है ना. मतलब यदि ये वाला फोर्स भी निकालो तो सेम आएगा, 2m इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर. सेम आएगा कि नहीं आएगा बताइए. मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर एक फोर्स f है तो यहाँ पर भी कितना लग रहा है, f, सेम फोर्स है ना. तो जो नेट फोर्स निकलेगा वो दोनों का क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा एट एन एंगल 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी इस पर f लग गया है और इस डायरेक्शन में भी क्या लग रहा है,
एफ लग रहा है, तो एफ और एफ का 60 डिग्री पर रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो आपने पढ़ा है वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, याद आ गया। सो आपके पास में कितना, देखिए यहाँ पे पहला फोर्स भी कितना है एफ, तो एफ का स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स भी कितना है एफ का स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ कॉस थीटा, कितना कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया 3f स्क्वायर, ये बच्चों बन गया एफ रूट 3, कितना बन गया एफ रूट 3, मतलब यहां जो फोर्स बनेगा इसका रिजल्टेंट फोर्स बनेगा कितना बनेगा एफ रूट 3। तो चलिए 2m पर लगने वाले नेट फोर्स की हम बात करते हैं, फोर्स ऑन 2m इक्वल टू एफ रूट 3 इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 2 भी है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहां पे, देखिए सही करता हूं मैं इसको। सो क्या होगा फोर्स जी एक मास है कितना 2m, एक मास कितना है m अपॉन a का स्क्वायर, ये तो हो गया f की वैल्यू और साथ में क्या लगा देंगे रूट 3, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2√3 जी एम स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, बोलिए क्लियर एकदम, है ना 2√3 है ना जी एम का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ये अपने पास में आ चुका है फोर्स ऑन मास 2m, फोर्स ऑन मास 2m। अब देखिए 2m पर तो निकाल लिया, अब एक बार आप m मास पर फोर्स निकालिए, क्या निकालते हैं m मास पर, बोलिए क्लियर है। तो चलिए फोर्स ऑन मास m निकालते हैं, फोर्स ऑन मास स्मॉल m, तो जरा आप स्मॉल m मास को देखिए, एक तरफ से a डिस्टेंस पर यहां कौन इसको खींच रहा है 2m खींच रहा है, खींच रहा कि नहीं खींच रहा है, और एक यहां पर इसको कौन खींच रहा है दूसरी तरफ m खींच रहा है, क्लियर है ना। तो यदि मैं इस वाले फोर्स का नाम दे देता हूं, देखिए इस वाले फोर्स का नाम इसको मैं ले लेता हूं F2 और इसका नाम मैं लेता हूं F1, व्हाटएवर जो भी लेना हो ले लो, या F F डैश ले लो, है ना, एक काम करो F और F डैश ले लो, क्या ले लो F और F डैश। तो बेटा F कितना होगा देखो ध्यान से, F इक्वल टू होगा G इंटू M इंटू कितना 2m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना हो गया A का स्क्वायर, क्लियर है ना। सो ये हो गया F, और F डैश देख तो कितना हो जाएगा F डैश इक्वल्स टू G, यहां पे कितना है M, इधर भी कितना है M अपॉन A का स्क्वायर, क्लियर है। तो ध्यान से देखो ये F जो है इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ G M स्मॉल m अपॉन a का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ f डैश, लिख सकते हो कि लिख सकते हो, मतलब जो f है वो f इसका डबल है, इसका क्या है डबल, इस वाले का क्या है डबल है ना। इसका फायदा मिलने वाला अपन को, यहां पर कितने एंगल है 60 डिग्री, तो मैं इसका रिजल्टेंट निकालता हूं, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा नेट फोर्स किस पर m पर, किस पर m पर इक्वल टू पहला फोर्स इस पर कितना लग रहा है इसको f डैश ले लो, कितना ले लिया f डैश, तो a का स्क्वायर, दूसरा फोर्स कितना बेटा बोलो 2f है ना 2f डैश का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी f डैश इंटू 2f डैश, बोलिए ऐसा नो f डैश इंटू 2f डैश, और cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल। चलिए ये देखिए जो हो जाएगा f डैश का स्क्वायर, 2f डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4f स्क्वायर प्लस f डैश इंटू f डैश कितना हो गया बताइए f डैश है ना f डैश का स्क्वायर, क्लियर हो गया है ना, हाँ ये 4f डैश का स्क्वायर हुआ, ठीक है क्लियर हो गया। तो ये आपके पास में, अच्छा यहां पे cos 120 डिग्री, एक सेकेंड, हाँ गाइस देखिए यहां पर एक गलती हो गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होता है यहां पे, याद है आपको यहां पे क्या होता है 2 होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, तो यहां पे क्या जाएगा 2 एफ डैश का स्क्वायर। चलिए तो कितना हो जाएगा देखिए एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर प्लस 4 एफ डैश स्क्वायर मतलब 5 प्लस 2 कितना 7 मतलब अंडर रूट 7 एफ डैश का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर कितना आएगा 7। अब आप एफ डैश की वैल्यू रख दीजिए, तो एफ डैश की जो वैल्यू आपकी कितनी है ये है जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट 7 बाहर कर दो जी स्मॉल एम स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, आगे बात समझ में ना, आर स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर, क्या बेटा ए स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है ए स्क्वायर, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं आपको, देखिए अंडर रूट 7 है कैपिटल जी है दोनों मास का मल्टीप्लाई एम स्क्वायर है और डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर, क्लियर हो गया। ये क्या है फोर्स नेट ऑन मास एम, तो दो फोर्स हमने यहां पर निकाले, एक 2m पर निकाला वो ये आ गया है,
क्लियर है। और एक हमने किस पर निकाला है, एम पर निकाल लिया है, वो ये आ गया है। क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जब सबसे पहले मैंने 2m पर निकाला तो दो फोर सेम अमाउंट के, एक f इधर एक्ट कर रहा है, एक f इधर एक्ट कर रहा है, क्लियर है। और फिर मैंने m का इस पर फोर्स निकाला मैंने, तो एक यहां एक्ट कर रहा है और एक यहां एक्ट कर रहा है विद एन एंगल ऑफ कितने डिग्री, 60 डिग्री, क्लियर है ना। सो एक यहां m अमाउंट से लगा तो mgm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और एक यहां 2m सेट किया, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री से निकाल करके मैंने कैलकुलेट कर दिया। क्लियर बच्चों। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन। टॉपिक बनाएंगे सभी लोग, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी तक आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स किसका निकाला आपने, पॉइंट मास का, किसका निकाला, पॉइंट मास का। अब आप निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड मास, है ना। तो आप निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड मास। हाँ, एक्सटेंडेड मास। देखिए एक्सटेंडेड मास के कारण आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि एक आपके पास रॉड है एम मास की, ये एम मास की आपके पास में रॉड है, और आपको एम मास से यहां पर यहां से ले करके एक पॉइंट मास रखा हुआ है एम, एक पॉइंट मास रखा हुआ है एम, लेंथ रॉड की कितनी है, एल है, ओके और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है। और मैंने कहा इस रॉड के कारण, इस रॉड का मास है कैपिटल एम, कितना मास है, कैपिटल एम। बताइए इस रॉड के कारण इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो ऑब्वियसली रॉड क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। तो बहुत सारे बच्चों से मैं आंसर पूछूंगा तो बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल सवाल आपने पूछा है, इसको हम पॉइंट मास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पॉइंट मास। तो कुछ लोग जवाब देंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल टू जी, कैपिटल वाला एम, स्मॉल वाला एम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस एल प्लस ए का होल स्क्वायर, एल प्लस ए का होल स्क्वायर। बहुत लोग ये जवाब दे देंगे। जो थोड़ा बहुत और दिमाग लगाएंगे वो बोलेंगे देखो सर ये जो मास होता है ना वो सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है, तो एक्चुअली ये एल नहीं नपेगा, ये कितना नपेगा, एल बाई टू। तो कुछ लोग दिमाग लगा करके बोलेंगे एफ इज इक्वल्स टू जी, है ना, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल बाई टू प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ लोग ये जवाब देंगे। मैं आपको बता दूं दोनों ही आंसर क्या है, गलत है। दोनों ही आंसर क्या है, गलत है। देखिए क्यों गलत हैं ये आंसर्स, क्यों गलत हैं, इसलिए गलत हैं ये आंसर क्योंकि अब आपके पास एल यहां पर जो डिस्टेंस होती है ना, जैसे यहां पर मान लो कोई मास एम है, ये छोटा सा ये मास है आपको, है ना, तो इसका भी असर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब ये मास बढ़ते बढ़ते यहां पर आएगा, यहां पर छोटा सा मास है सपोज डीएम, तो इसका भी असर आपको देखने को मिलेगा आप। और एक चीज और समझिए, यहां पर इस वाले मास की दूरी बढ़ चुकी है, क्या हो चुकी, दूरी बढ़ चुकी है। देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस ए एल बाई टू से भी ज्यादा, एल बाई टू से भी ज्यादा। भाई ऐसा नहीं हो रहा है कि इधर वाला मास इधर के मास को कम कर दे या इसका इफेक्ट कैंसिल कर दे, नहीं, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो क्या हो रहा है, मतलब ये वाले मास को ये वाला पॉइंट इधर की तरफ खींच रहा है ना, तो इधर वाला पॉइंट भी कहां खींच रहा, इधर ही तो खींच रहा है, कौन सा ये और ये कैंसिल होकर के दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, समझ रहे हो ना। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, एक ही डायरेक्शन में एडअप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई, मतलब आपके अंदर जो फीलिंग थी कि ये भाई वो आधा कब पॉइंट शिफ्ट होता है, जब इधर के इफेक्ट और इधर के इफेक्ट बराबर हो जाते, समझ रहे हैं आप मेरे को बात को, मगर यहां के दोनों के इफेक्ट बराबर नहीं हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्योंकि यदि इस पॉइंट पर खिंचाव लगेगा, इस पॉइंट पर अट्रैक्शन होगा, तो यहां भी क्या होगा, अट्रैक्शन ही तो होगा भाई, यस और नो, तो दोनों ऐड होंगे ना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल थोड़ा ना कर देंगे, बोलिए क्लियर। तो आइए देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ही नया नया क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को जो आपने देखा ये अभी पिछली स्लाइड में, आखिर हमको कैसे करना है इस एक्सटेंडेड मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है हमको। सो चलिए करते हैं बच्चों, क्या है कंसेप्ट, कंसर्न हमारा टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एक्सटेंडेड रॉड एंड अ पॉइंट मास। तो ये हमारे पास एक्सटेंडेड रॉड है, ये हमने रॉड ले ली है, ओके
और इस रॉड के कारण हमको, ये रॉड के टोटल मास कितना है, m है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रॉड का मास इक्वल्स टू कैपिटल m, एंड रॉड की जो लेंथ है वो क्या है बच्चों, कैपिटल l, ठीक है ना। हमको रॉड से, रॉड की लेंथ तो दे दी है, रॉड के कॉर्नर से हमको a डिस्टेंस पर एक मास रखा हुआ है, पॉइंट मास रखा हुआ है स्मॉल m, पॉइंट मास स्मॉल m रखा हुआ है, हमको इस पर फोर्स निकालना है, ठीक है जी। क्या कंसेप्ट बनता है देखिए, सबसे पहले हमको, हम देखते हैं कि रॉड के l लेंथ का मास कितना है, m है, द मास ऑफ l लेंथ का मास, देखिए l लेंथ का मास कितना है, कैपिटल m है कि नहीं है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, बोलिए m अपॉन l, m अपॉन l। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहां पे, आप लोग इस चीज को ध्यान देखेंगे कि मास ऑफ यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ, और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भैया इसको स्मॉल m बोलते हैं बहुत जगह, जब आप पढ़ोगे वेव पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब यहाँ पे स्मॉल m के नाम से आएगा, हालांकि फिलहाल स्मॉल m से बचने से मैं अवॉइड करूंगा, बट फिर भी इसको लिखते हैं m बाई l, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। फिलहाल आप कहोगे सर ये m और ये m सेम हो जाएंगे, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसका नाम स्मॉल m नहीं दे रहा हूँ, किसी इसका कोई नाम मत दो आप, समझ गए जी, इसका आप कोई नाम मत दीजिए। तो ये आ गया, इसको बोलते हैं मास ऑफ यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है जी। चलिए दूसरा काम करते हैं, एक और यहां पर आप छोटा सा एक सेगमेंट ले लो, छोटी सी एक लेंथ डिसाइड कर लो, इस छोटी सी लेंथ का नाम ले लो भैया dx, क्या नाम ले लिया, dx, और इस छोटी सी लेंथ dx का जो मास है वो कितना है, dm है, कितना है मास, dm। तो ये नंबर वन है, मास पर यूनिट लेंथ है कि नहीं है, और दूसरा मास आप मान लो, लेट आपके पास लेंथ dx है, तो dx लेंथ का मास कितना है बच्चों, dm, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा बच्चों, dm अपॉन dx, इसको दे दो नंबर टू, क्लियर है। तो मतलब ये दोनों एक ही बात है, मास पर यूनिट लेंथ, और ये भी हो गई मास पर यूनिट लेंथ, ठीक ना, dm अपॉन dx। अब आइए देखिए, हम यहां पर हमने इसको ले रखा, ये एक स्ट्रिप है dm मास की, और इसके कारण हम फोर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फोर्स इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो मैं यहां पर इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं थोड़े समय के लिए, x, क्या मान लेता हूं, x, क्यों भैया, जब ये छोटी सी लेंथ dx है तो इसकी इधर से डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी कि नहीं होगी, और आपको मैं बता दूं ये लेंथ कितनी है, a है, कितनी ये लेंथ, a, और ये पूरी लेंथ कितनी थी, l, कितनी थी पूरी, l। तो अगर x डिस्टेंस पर कोई मास m बैठा हुआ है, तो dm मास के कारण इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा बच्चा, तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू g, बोलिए यस, है ना, मास है छोटे वाले पॉइंट का कितना, m, और हमारा जो मास है बड़े वाले, बड़ा वाला मास कितना है, कैपिटल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बोलिए होगा कि नहीं होगा। और ये छोटा सा फोर्स है, इसलिए मैंने लगा दिया df, क्या लगा दिया, df, ठीक है ना, df और m, m मतलब कि m मास पर लगने वाला फोर्स, m मास पर लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। सो ये आप लगाएं या ना लगाएं कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बस ये समझिए छोटा सा फोर्स है, क्या ये छोटा सा फोर्स, क्लियर है। तो ये छोटा सा फोर्स है जो m मास ने लगाया है, स्मॉल m, dm ने लगाया, किसने लगाया है, dm ने लगाया है, यस और नो, dm पर लगने वाला फोर्स, एक्चुअली ये dm जो है dm लगाएगा, m पर लगाएगा, तो इसको बैकवर्ड खींचेगा, आई होप आप समझ रहे होंगे, यस। अब dm देखो ध्यान से कि dm कहां से कहां तक फैल सकता है, यदि मैं इस स्ट्रिप को देखूं तो dm की शुरुआत होगी यहां से, बोलिए होगी कि नहीं होगी, मतलब यहां से शुरुआत होगी और ये यहां से चलते 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 यहां तक आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यदि मैं टोटल फोर्स निकालना चाहूं तो टोटल फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df, होगा कि नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ df, यस और नो, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df। सो मैं बोलूंगा f नेट या टोटल नेट फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df, और df की वैल्यू आपने क्या निकाली है, g, कैपिटल नहीं स्मॉल m, यहां पे क्या dm है ना, g स्मॉल m dm अपॉन x का स्क्वायर, ओके, g स्मॉल m dm अपॉन x का स्क्वायर, और x कहां से कहां बदल रहा है, जो पट्टी है ये जो स्ट्रिप है कहां से कहां चल रही है, देखिए यहां पर x इक्वल टू कितना, यहां से देखिए x है ये,
तो यहां से जब चली थी स्ट्रिप यहां पे थी, तो x मतलब इससे इसकी डिस्टेंस कितनी थी, a थी, कितनी थी a थी। और जब चलते 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 आप यहां आ जाएंगे तो इस मोमेंट पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस l। आई वाली बात समझ में कि नहीं आई भैया? जब आपकी स्ट्रिप ये कोने पर थी तब आपकी इससे डिस्टेंस कितनी थी, a, तो उस समय x कितना था, a था। और जब आप चलते 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 एंड पर आ जाएंगे तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a प्लस। पक्की बात समझ में आई, जबरदस्ती तो नहीं बोल रहा ना भाई। तो a से लेके a प्लस l, आप फिर से महसूस करो, ये मैंने स्ट्रिप बनाई है यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो स्टार्टिंग यहां से हुई है, तो पहले ये डिस्टेंस कितनी थी बोलो, a। और फिर जब आप यहां तक आ जाओगे चलते चलते इंटीग्रेट करते करते, तो ये l ओवर हो गया, तो कितना हो गया, a प्लस l। तो मतलब आपका इंटीग्रेशन चलेगा कहां, लिमिट कहां चलेगी, x की a से लेके a प्लस l। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है भैया, ये लेंथ के कंपोनेंट है और यहां पर क्या बैठा हुआ है, dm। तो dm को हमको हटाना पड़ेगा, dm को हमको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा डीएम, आपने देखा था रिलेशन बाय वन एंड टू, मास पर यूनिट लेंथ क्या था, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, और दूसरा मास पर यूनिट लेंथ आया था डीएम अपॉन कितना, डीएक्स, डीएम अपॉन डीएक्स आया था। तो यदि मैं यहां से डीएक्स की वैल्यू निकाल लूं, ना डीएम की वैल्यू निकाल लूं, तो डीएम को यदि मैं रोक लूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, एम अपॉन एल इंटू कितना, dx। तो यदि मैं फोर्स को रिप्लेस कर दूं, सॉरी फोर्स को नहीं, मास को रिप्लेस करूंगा, a से लेकर के a प्लस l, a से लेके a प्लस l, कैपिटल g, ओके, ये क्या था भाई साहब, ये था स्मॉल m, dm की जगह क्या आएगा, कैपिटल m अपॉन कितना, l का स्क्वायर, और यहां पे क्या, x का स्क्वायर, और यहां पे क्या रहेगा, dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो जो जो कॉन्स्टेंट है उनको छुट्टी दे दो, मतलब बाहर कर लो, तो g कॉन्स्टेंट है ना, जी अपने पास में क्या है, कांस्टेंट है, स्मॉल एम कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, और एल भी क्या है, कांस्टेंट है। सो फोर्स इज इक्वल टू जी बाहर आ गया, कैपिटल एम बाहर आ गया, स्मॉल एम बाहर आ गया, एल बाहर आ गया, अंदर केवल कौन बैठा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट ए से लेके ए प्लस एल, ठीक है ना। चलिए तो अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा डीएक्स, और आप जानते हो फॉर्मूला एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, जो कि बन जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स नीचे चला जाएगा। सो कुल मिला के कितना हो गया, माइनस कॉमन हो गया ये जो माइनस वाला, या आप ना चाहे तो चलो मैं बाद में रख दूंगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल, ओके, ब्रैकेट लगाइए, माइनस वन अपॉन एक्स, और लिमिट ए से लेके ए प्लस एल। अब इस माइनस को आप बाहर कर लो, इस माइनस को क्या कर लो, बाहर कर लो, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल, अपर लिमिट रखिए वन अपॉन ए प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट वन अपॉन ए, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल, ओके, ए यहां जाएगा, माइनस अटैक हो जाएगा, माइनस ए माइनस एल अपॉन कितना, ए प्लस एल इंटू कितना, ए। क्लियर है? ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, ये माइनस जाकर के माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम यहां पे कितना, एल, नीचे भी कितना, एल इंटू ए, और यहां पे ए प्लस एल, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमारे पास फोर्स निकल करके आ चुका है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ओके, ए इंटू ए प्लस एल, ओके। तो ये हमारे पास निकल चुका है ग्रेविटेशनल फोर्स ए इंटू ए प्लस एल, डन। तो ये एक्सटेंडेड मास का बच्चों देखिए फोर्स इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक ना। एक्सटेंडेड मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डीएम स्ट्रिप लेनी पड़ेगी एट अ रैंडम डिस्टेंस डीएक्स, है ना, ऑफ रैंडम डिस्टेंस dx, है ना। कितना डिस्टेंस रखोगे इसका पार्टिकल से, x डिस्टेंस का, और फिर x को आप वेरी कर करके एंड तक ले करके जाओगे, डन। सो दिस इज कंप्लीट, ये आज का क्लास आपका कंप्लीट होता है, इसका फुल लेक्चर आपको थोड़ी देर में अपलोड होकर मिल जाएगा, जरूर पढ़िए। थैंक यू सो मच।